हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैंने नाश्ते में बनाया है करंची आलू की सब्जी, रोटी और ये दही के साथ हम खाने वाले हैं। विशु को आलू का पराठा बना के दे दिया है, जो कि विशु आराम से अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं इसको लेके चलती हूँ अंदर और फटाफट से हम ये करंची आलू और रोटी दही के साथ खा लेते हैं। विशु, पराठा खाया? ओ, नहीं खाया? क्यों? गलत बात है ना, खाओ बेटा इसको लो। सो गाइस, यहाँ पे बन रहे हैं मोमोज और आप देख सकते हैं मैं धनिया छांट रही थी और ये पुदीना और ये धनिया पूरा का पूरा खराब हो चुका है। ठीक है, और मोमोज के लिए यहाँ पे मसाला सब कुछ रेडी हो रहा है और विशु का आप देख सकते हैं। विशु, फैन का फैन? विशु, आइस का है? आइस। फैन का है? हंस के दिखा दो सबको। गाइस, यहाँ पे मिस कर रहे हैं और ये हैं हमारे मास्टर शेफ सुनो जी हाय कर दो। हेलो। ऐसे नहीं देख के, हेलो विशु। ये देखो, कैमरे में देखिए करना था क्या? हाँ। और गाइस, ये सब तामझाम यहाँ पे फैला हुआ है और धनिया देखो ना, मैं लाई थी इतने प्यार से, खराब हो चुका है, सारा फेंकना पड़ेगा। और ये बाकी मैंने निकाल लिया है, तो चलो बना लेते हैं फटाफट से, फिर आपको दिखाते हैं। गाइस, इन लोगों को देखो, कितनी ही गर्मी लग रही है इन लोगों को। विशु दादा, ये तो इनके लिए डबल बेड हो रखा है, वो भी कौन सा वाला जो कभी खत्म नहीं होता। जिधर भी जाओ उधर ही डबल बेड है ना विशु? बाबू, आप ऐसे कैसे लेटे हुए हो? अच्छा लग रहा है? ठंडी लग रही है जमीन? अरे वाह विशु, फैन का है? फैन का है? अरे वाह। और विशु, आइस का है? आइस विशु आइस बता दो, फिर आप मोमो खाओगे ना? नहीं खाओगे? अब वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा, पता है आपको? यस। अरे वाह, खाना बना लो विशु, खाना। टिंग 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 टिंग, दाल चावल जल्दी बन जाओ, दाल चावल। बेटा, पापा का दिमाग इतना गर्म रहता है ना, जो तू बना रहा ना, 2 मिनट में बन जाएगा। साइंटिस्ट बनोगे? साइंटिस्ट ऐसे दिमाग चलाओगे? गाइस, अभी ये देखो, मैं किचन में आ गई हूँ ना, जैसे कि, तो ये देखो मैंने ये चटनी बनाई थी और ये ना पुदीने की चटनी है, तो हल्की हल्की काली भी पड़ जाती है। पुदीना और धनिया मैंने डाल के बनाई थी और अजमेर जी ने थोड़ी सी खा भी दी और यहाँ पे बचा भी दिया, इसको फेंक देंगे और इसको रख देते हैं फ्रिज में ना, बंद करके। सो गाइस, ये हो चुकी है मेरी चटनी, ये मेरा 1 हफ्ते चल जाएगी आराम से फ्रिज में रख के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं विनीता गढ़वाली माँ से। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल अच्छे से अपने घर में होंगे, कहीं बाहर नहीं जा रहे होंगे। मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में। और आज आपने सुबह में मुझे देखा, मैंने बनाए थे आलू चिप्स की सब्जी और रोटी भी बनाई थी, साथ में पराठे भी बनाए थे विशु के लिए। बट विशु बहुत चल चल के खाना पसंद करते हैं, उन्हें डायरेक्टली खाना पसंद नहीं होता है। और आप इस तरीके से लेट गए हो, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आप इससे अच्छा खड़े ही हो जाओ ना साथ में। ये देखो, यहाँ पे लेट गए हैं मेरे बाबू और मेरे विशु हैं उधर सो रहे हैं। दिखाओ, विशु उधर सो रहे हैं। ये अश्विन जी ने बहुत अच्छा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मुझे वीडियो शूट करने की वजह से पंखा बंद करना पड़ता है, तो इस वजह से विशु की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए
विशु को उधर सुला दिया है ताकि वो आराम से सोए, उसकी नींद में जरा सा भी कोई भी इंटरफेयर ना करे। ये हमारा पता शुरू से ही है, हम नहीं चाहते थे कि विशु को कोई भी डिस्टर्ब करे। आप देख सकते हैं विशु आराम से सो रहे हैं वहाँ पे, है ना। और बस बहुत अच्छा है, ये अच्छा कर दिया है अश्विन जी ने, क्योंकि मेरे को फिर उधर का रहता है ना कि बेबी पता नहीं कैसे है बेबी। वैसे तो मेरे विशु बहुत ज्यादा समझदार है, जब सो के उठते हैं आपने देखा भी होगा मेरी कई वीडियो में कि उठ के आराम से मेरे पास आ जाते हैं। और आज है अश्विन जी की छुट्टी, है ना, तो आज हमने ज्यादा कुछ मैंने ज्यादा कुछ काम नहीं किया है, बस थोड़े से मोमोज बनाए थे और हाँ घर की क्लीनिंग करी थी क्योंकि दीदी आजकल नहीं आ रही है, हमने छुट्टी पे रखा है। और आप लोग घर में भी वर्कर हैं प्लीज उनको छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि ये माहौल जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सबके लिए, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। और सबकी वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने खूब अच्छे से तालियां बजाई, थालियां बजाई, है ना, है ना बाबू, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यही सब देख के लगा है कि हमारा भारत एक है, सभी लोग एक हैं इस भारत में, है ना। तो बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख के। और अभी मैं अभी का काम बताऊं, अभी मेरे को घी निकालना है, थोड़े से बर्तन साफ करने हैं, क्लीनिंग करनी है। अभी शाम का आई थिंक 3:30 बज रहा होगा, है ना, अभी सो रहे हैं। और अभी क्या करेंगे अश्विन जी, क्या हुआ आपको, आप क्या कर रहे हो, अभी कैमरा सेट है, आप उसको ब्रल मत करो। अभी मेरे को मेरे पापा दिख रहे हैं, ये देखो मेरा विशु, आपको भी दिखाएंगे, विशु को आपको भी दिखाएंगे, टेंशन ना लो। अभी उठने वाले होंगे विशु, बस थोड़ा थोड़ा देर जा रहा है उनका उठने का, उठ जाते हैं वो जल्दी से, है ना। और आप लोग गाइस सीरियसली आप अपना ध्यान रखिए, आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे तो हमारे देश में जो भी ये सब चीजें कोरोना वायरस वगैरह हो रहे वो जल्दी से भाग जाएगा अगर आप बाहर नहीं जाएंगे। और आपको पता है मेरे लिए तो अंदर रहना इतना ज्यादा इजी है ना, बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि मैं तो घर पे ही रहती हूँ, मुझे जब भी बाहर जाना होता है अश्विन जी के साथ ही जाना होता है, मैं तो कब से बाहर नहीं गई हूँ। आई थिंक मेरे को तो यहाँ तक कि मैंने तो बाहर का सूरज तक भी नहीं देखा है, वो परसों 22 तारीख का जो था वो, और जब मैंने कपड़े बाहर धोए थे बस वो, इतना ही मेरा होता है बाहर जाने का। तो लेडीजों के लिए बहुत ज्यादा थोड़ा मैं कह सकती हूँ इजी है, बट जो लोग बाहर जाते हैं वर्क करते हैं अपना, है ना, खेलना कूदना होता है बच्चों का या लड़कों का जो भी होता है, उनके लिए थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ मुश्किल है ये। अब तो सभी जगह लॉकडाउन हो चुका है तो बहुत मुश्किल है। और आज तो मैं आपको बताऊं, बस मैं आपको बता नहीं सकती विशु का, विशु इतने ज्यादा, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं बोलती थी ना विशु को कि विशु बोलो ए फॉर एप्पल तो करते थे हाँ, तो अभी विशु की आदत वही हो चुकी है, बहुत तेज से चिल्लाते हैं। अगर उनको फैन पूछो तो आइस बताते हैं, है ना, आइस पूछो तो फैन बताते हैं, समझ नहीं आता है ना, ऐसा करते हैं विशु। और बस अभी मैगी निकालने वाली हूँ और थोड़ा बहुत जो भी काम है वो सब मैं करने वाली हूँ, है ना। तो चलिए मैं क्या क्या करती हूँ आप देख लीजिए, जो भी करूंगी आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करती हूँ। चलिए सो गाइस, अभी मैं इन लोगों के पास ही जा रही थी तो ये लोग तो यहीं आ गए हैं। विशु उठ गए क्या? नहीं अभी नहीं उठे हैं। सो अभी मुझे क्या क्या करना है चलो देख लेते हैं। घी, सबसे पहले तो घी निकालना है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया है ना, घी निकाल के गाइस मैंने आपको दिखा दिया, बस हल्का फुल्का सा जो भी करूंगी वो आप मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। घी तो मैं आपको कैसे बताऊं, बस घी मेरा मंथली मंथली हो जाती है मलाई, जबकि हम लोग दूध नहीं पीते हैं, विशु के दूध में से ही मलाई निकल जाती है, उसी में से घी भी निकल जाता है और वो मंथली मंथली चल भी जाता है, उसी से ही पूजा के लिए भी हो जाता है, उसी से ही खाने के लिए भी हो जाता है, तो इतना घी इनफ रहता है हम लोगों के लिए। अश्विन जी आपको घर पे कैसा लग रहा है? बोर जरा बताएंगे कैमरे में, बोरिंग बोरिंग एकदम बोरिंग। मैं कह रही थी ना लड़कों के लिए तो बहुत ज्यादा बोर आता है घर पे, बोरिंग लग रहा है, तो अभी तो अपने बच्चे के साथ जाके बैठ गए थे। अभी कहाँ जा रहे हैं? पानी पी रहा हूँ, प्यास लग रही है मुझे यार। मुझे भी पिला दो तो और पानी ना, सॉरी ठंडा पी रहा हूँ, मुझे भी कह दो। गाइस इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। एटलीस्ट यहाँ पे पता क्या हो रहा है कि जो ठंडा पानी है ना उसमें अगर हम गर्म पानी डाल रहे हैं ना तो एकदम से गर्म हो जा रहा है ना। वो पिलाओ, दे दो मेरे को भी दे दो।
इनको भी दे दो जल्दी से। और आप देख रहे हो किचन अभी सारा फैला हुआ है, सभी समेट रहे हैं। ले लो यार, आप ही ले लो। मैं पी लूं? थैंक यू थैंक यू। भगवान ऐसे हब भी सबको दे है ना, पर ये वाले तो मुझे ही दे। आपको पता है पानी खड़े होके नहीं पीते हैं। मैं कब पी रहा हूँ? हाँ मैं ही पी रहा हूँ। चलो चलते हैं अंदर। सो गाइस ऐसे ही मैं स्विजी से कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, है ना, उनका पानी हो उनका खाना हो। काम करने से पहले थोड़ा सा खा पी लिया जाए, है ना। खाना तो क्या है, पी लिया जाए बस। नींबू पानी बनाया आपने? ले दिखाओ 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 दिखाओ। छारा पी लोगे? छारा पी लोगे? दिखाओ। गाइस आपको पता है ये चुपके चुपके से पता नींबू पानी भी बना के पी जाते हैं, अब मुझे पता भी नहीं चलता है। चलो गाइस मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में, पानी पी लेती हूँ। और गाइस आज मैंने देखो ये वाला अपना लोअर भी डाल लिया है। पैंट दिखा रहे हो, लोअर दिखा रहे हो? आपकी पैंट दिखाई दे रही है तो मैं क्या करूँ। गाइस ये देखो ना ये वाला। सो चलिए। अरे बाबू आप मेरा गिलास भी ले गए, मुझे तो पानी पीना था उसमें से। अब बाबू एक चीज दिखाओ ना, आज हमने क्या किया है दिखाओ। नहीं वो लाइट वाला दिखाओ ना। लगाया नहीं है अभी। ऐसी जला के दिखा दो ना। नहीं जला के डायरेक्ट दिखाओगे? गाइस अभी ना हमने भैया ने हमें ना एक चीज गिफ्ट करी थी, तो गिफ्ट ही बोलूंगी क्योंकि भैया मेरे लिए लाए थे ना उसको, तो वो अभी माता रानी को लगाना है और फिर आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। गाइस मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, मैं सभी कुछ आपको बता देती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है ना। नहीं रहता मेरे दिल में ना कुछ भी, मैं सभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। अश्मित जी कहाँ चले गए? अश्मित जी ओ उनको अपने बेबी की चिंता बहुत ज्यादा रहती है, मतलब बहुत ज्यादा रहती है, तो वो इसी कमरे में रहते हैं अपने बेबी के साथ। मैंने इसलिए सीसीटीवी बना दिया, देखा क्या कर रखा है? देखो ये फोन, देखो इसमें दिखाई देगा आपको। देखो आप आ गया हो, आप आ गया हो, देखो सीसीटीवी। अच्छा मैं दिखाई दे रही हूँ बाबू, दिखा 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 मैं दिखा दे रही हूँ फोन में, देखो और विशु भी दिखाई दे रहे हैं। विशु यार विशु अगर सोए, यहाँ पे इतनी तेज धूप आती है ना, आप देख रहे हो ना कितनी तेज धूप आ रही है, और जब विशु सोए रहते हैं ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि विशु उठ जाए बस अभी, पर उनका सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। नहीं मेरे को भी काम करने दो फिर उठाना, कितने गंदे हैं, थोड़ा सा काम कर लूँ फिर उसके बाद। सो चलिए गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में अपना थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए, जो जो काम मुझे करना है। और गाइस अगर आप मोमोज या चाउमीन वगैरह खाना पसंद करते हैं और आपको अगर कोई अच्छी सॉस या चटनी नहीं मिल रही है, तो गाइस ये वाली चटनी आप लेके आए। ये तीखी तो होती है, तीखी के साथ साथ हल्की हल्की मिठास भी होती है इसमें। अगर आप कभी मोमो, क्या कर रहे हो बाबू बंद करो उसको, बंद करो, हाँ ये सही है। सो गाइस अभी अश्विन जी ने लाइट चला दी है। अगर गाइस अभी आप कभी मॉल में गए होंगे ना, मॉल में आपको मोमोज के साथ जो भी चटनी मिलती है वो यही वाली मिलती है, और इस चटनी की एक डब्बे के पैसे वो एक बार के मोमोज में ले लेते हैं। हाँ, 90 रुपए के यार चार पीस कौन देता है यार, 90 रुपए के आप होता मोमोज 90 रुपए के मॉल में, हमने तो खाए भी है ना 3-4 बार वहाँ पे। हाँ यार शादी नहीं हुई थी तब खाए थे, इतने गंदे हैं। शादी से पहले इन्होंने खिलाए थे, इन्होंने क्या खिलाए थे, दीदी अनिता दीदी ने भी खिलाए, नितिन भैया ने भी खिलाए हैं, सबने खिलाए। मैं तो मोमोज के तुम अपनी मतलब अपनी वाहवाही लेना चाहते हो और क्या। हाँ गाइज इन्होंने भी खिलाया मुझे। सो गाइज मैं चटनी के बारे में आपको बता रही थी, आप ये वाली चटनी अगर आपके घर में डेली मोमोज आते हैं, और आपको पता है ना जो ये मार्केट में मोमोज बनाते हैं उनके मोमोज तो ठीक लगते हैं खाने में, बट चटनी क्या होती है ना किसी में तो ज्यादा टमाटर ही टमाटर होते हैं और किसी में क्या होता है लहसुन ही लहसुन ज्यादा होता है, मतलब वो चटनी समझ ही नहीं आती कि कैसी है। तो आप गाइस ये वाली चटनी ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आई नो आपके पास होगी पर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली चटनी आप जरूर ले आए। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ 75
75 का है ये। बाबू कोई डिस्काउंट तो नहीं था ना? नहीं 75 की है ये। और गाइस ये खाने में बहुत 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 ज्यादा टेस्टी है। और चलो मैं काम करती हूँ, बाय बाय, नहीं तो मैं आपसे बात करती ही रह जाऊंगी। बाय बाय। सो विशु सो रहे हैं और विशु के डैडी देख रहे हैं मूवी, तो मुझे लगा ये जितना भी किचन फैला हुआ है इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। और फिर याद आया कि कल है नवरात्रि, तो मुझे लगा कि चलो मंदिर भी साफ़ कर देना चाहिए। मंदिर में मुझे एक से आधा घंटा लगता है अच्छे से सब क्लीन करने में। माता रानी के कपड़े वगैरह सब धो देती हूँ मैं। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ और पानी से मंदिर को क्लीन कर रही हूँ। हल्के फुल्के जो साइड में जाले वगैरह लगे हैं उनको भी पानी से धो देती हूँ। और आज तो मेरे को एक चीज़ और ऐड करनी है मंदिर में, जो कि आपको कल देखने के लिए मिलेगी। सो वो क्या होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो यहाँ पे मैंने सारा मंदिर क्लीन कर दिया है और जो ये पानी आया है इसको भी मुझे ही क्लीन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे एक वाइपर की मदद से इसको क्लीन कर दूँगी। अश्मित जी उठ गए हैं, वो बोल रहे हैं कि विशु के लिए दूध बनाना है। मैंने कहा मैं बना दूँगी। सो आप देख सकते हैं मंदिर कुछ इस तरीके से हो गया है। सो गाइस अभी मंदिर साफ कर दिया है, दुपट्टा वो इस तरीके से डाल दिया है ताकि फैन की हवा से सूख जाए, है ना। तो अभी पूजा करनी है। माता रानी को दुपट्टा इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि मैं चाहती थी कि कल नवरात्रि है, माता रानी हैवी हैवी दुपट्टा पहने। तो मेरे पास दुपट्टा है दूसरे वाला भी, पर वो नहीं पहना है। तो मुझे लगा कि माता रानी हैवी हैवी दुपट्टा पहनेंगी तो अच्छा रहेगा। अभी मुझे जाना है विशु के पास, विशु का दूध लेके। ये कैप पता नहीं विशु कहाँ डाल देते हैं, साथ में अपने जब सो रहे थे साथ में उनके पास ही होगा शायद से। तो चलें विशु के लिए दूध लेके। मंदिर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और अभी उठाने वाली हूँ मैं अपने छोना छोना बेटा को, है ना। और यहाँ पे भी अभी क्लीनिंग करनी है विशु। चलो गाइस मैं विशु को उठाती हूँ ना, फिर आपसे बात करती हूँ। सो गाइस मैं विशु को ले आई हूँ इधर। विशु आराम से दूध पी रहे हैं और एक और छोटा सा बच्चा यहाँ पे मूवी देख रहे हो। अब कौन सी मूवी देख रहे हो? सुना नहीं ठीक से हमने यार, अब मूवी क्यों देखते हो? अच्छा लगता है? अब वीडियो क्यों बनाते हो? मुझे तो अच्छा लगता है। सेम छह मुक्का मार रहे हैं यहाँ पे, छह बहुत तेज मार रही थी। कैप्टन मार्वल की तरह ऐसे मारूंगी। लड़की कौन सी है उसमें? नाम मुझे नहीं पता उसको। ऐसे ही मुक्का मारूंगी ऐसे करके। अच्छा चुप चुप नहीं नहीं कभी कभी ये भी कैप्टन मार्वल बन जाते हैं मुझे ऐसे। और मेरा राजकुमार उठ चुका है और आप मुझे देख सकते हैं कितना ज्यादा पसीना हो रखा है। गाइस गर्मी से बुरा हाल है, पानी बहुत ज्यादा पिया जा रहा है। और आप भी गर्मी में बहुत ज्यादा पानी पिए, पानी पीने से सही रहता है, गर्मी ज्यादा नहीं लगती है। बस मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा हुआ है। अभी मैंने सारा साफ कर दिया है क्योंकि कल तो आपको पता है ना कि माता रानी के फास्ट हैं, मैं रखूंगी या नहीं रखूंगी। शायद से मैंने जो पहले से सोचा था वो लोग मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। पर अभी मैंने क्लीनिंग कर दी अच्छे से क्योंकि मुझे लग रहा था कि माता रानी को अच्छे से धो देती हूँ। मतलब सारे बर्तन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, मंदिर भी अच्छे से धो दिया है। सो अभी एक काम रह गया है जो कि मैं आपको बोल रही हूँ, घी निकालना। तो चलो फटाफट से एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह वो भी कर देते हैं, है ना। वो भी बहुत ज़रूरी है, माता रानी को ताजे ताजे घी से दीपक जलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट काम करने के लिए। ये लोग आराम से अपना मूवी देख रहे हैं, विशु भी उठ गए हैं। शायद से विशु मेरे को कुछ ना करने दे, पर मैं कर लेती हूँ ना, फिर उसके बाद बनेगा खाना। खाने के बाद विशु के लिए भी कुछ बनाना पड़ता है क्योंकि विशु तो अब खाने का थोड़ा सा बाइट लेते हैं, नहीं तो उनको मूंग की दाल पसंद है। मूंग की दाल बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। चलो मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, बाय बाय। घी निकाल रही हूँ। पता घी निकालने से ज्यादा टाइम पापा पता किस चीज में लग जाता है? ये इसमें से निकालने में, डोंगे में से निकालने में। मम्मी बोलती है सारा इसमें से निकाला करो तभी जाके घी निकलता है। भैया हमारे घर पे तो ना जिस भगवान में निकालना होता था ना उसी में जमाते थे घी। इतना बड़ा कुकर कहाँ रखूंगी मैं आपके फ्रिज में? आपने तो मुझे छोटा सा फ्रिज ला के दे रखा है। हाय इतना बड़ा वाला लेके 210 लीटर का है, छोटा सा फ्रिज है। और मैं आप ही के पास आ रही थी, आप क्यों आए यहाँ पे? आ रहा हूँ मैं आप ही के पास, चलो इसको लेके। ओके बाय। सो गाइस मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ और मेरा बेटा हिप हॉप भी है यहाँ पे और अश्मित जी भी है। और आपको
और मुझे लगता है वॉइस बंद करनी चाहिए, मैं वॉइस ओवर में बात करूंगी आपसे। नहीं नहीं पंखा बंद कर देता हूँ मैं। रहन दो इतनी गर्मी, अभी बोल रहे थे कि इतनी गर्मी आपको क्यों हो रही है, मैं कहा मेहनत करके आई हूँ, ये गर्मी तो लगेगी। सो गाइस इसको निकालने में बस लग ही जाएगा टाइम ना। मक्खन खाओगे? मक्खन खाओगे? ज्यादा खाएंगे क्या? ज्यादा खाएंगे अभी तो ज्यादा गर्मी हो रही है। ये बहुत ठंडा हो रहा है हाथ डालने में ना इसमें। यार मेरे को बाहर जाना है, कैसे जाऊंगा? एक तो बाहर जाने की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, हमारे यहाँ लहसुन भी खत्म हो गया है और नींबू भी और नींबू भी खत्म हो गए। नींबू पानी भी नहीं पी सकते ना बीजू। बीजू आप फैन बता दो कहा है फैन? ये पूरा फैन पूरा विशु पूरा ऐसे कर दो। ये सो गाइज यहाँ पे शाम हो चुकी है और मैंने पूजा भी कर ली थी जब मैं विशु को लेके आई थी दूध पिलाने के लिए। जब तक विशु ने दूध पिया तब तक मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद ये मलाई वगैरह मैं घी निकाल रही हूँ। अश्मी जी साथ साथ में बोल रहे हैं कि बाहर जाना है या नहीं जाना है। विशु को आप देख सकते हैं, विशु इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। पर विशु का एक चीज़ है गाइस, विशु जहाँ पे कैमरा लगा होता है उसको बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। अगर उनको उधर से कहीं जाना भी होता है तो वो साइड से निकल के चले जाते हैं, ऐसा करते हैं विशु। हमने कई बार देखा है उनको। और अश्विन जी भी साइड में बैठ के अपना फ़ोन में कुछ देख रहे हैं। और ये विशु है, विशु के साथ अभी उनके चाचा खेलेंगे। सो गाइस बाहर जाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना। विशु का दूध लाना था तो अश्विन जी यही बोल रहे थे कि अभी बाहर जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और साथ साथ में यहाँ पे हम खाने के लिए भी पूछ रहे हैं कि खाना क्या बनेगा खाने में। तो अश्विन जी को अभी मैं बोल रही हूँ कि घी निकलने वाला है तो आप बॉटल लेके आ जाइए पानी की। तो ठंडे पानी से क्या होता है, मलाई को मैं अच्छे से धो देती हूँ क्योंकि जो भी कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विशु बॉल से खेल रहे हैं, मुझे लगा कि वो मक्खन में ना घेर दें तो मैंने साइड में किया उनको। और अभी आप देखो वो दोबारा से बॉल को नहीं छेड़ेंगे, अगर छेड़ेंगे भी तो अपने डैडा के पास लेके जाएंगे। तो वो साइड से निकल के चले गए हैं अपने डैडा के पास और आ भी जाएंगे आप देखो। सो विशु ऐसा ही करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। अश्मित जी यहाँ पे लेके आ जाएंगे पानी का बॉटल और फिर ये घी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं घी, घी में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है गाइस, ऐसा तो है नहीं कि घुमाओ फटाफट से और निकल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ में कर लो, मिक्सी में कर लो चाहे किसी भी चीज़ में कर लो, नहीं होता है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था ना ये घी तो, मलाई सॉरी, और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था पहले तो हाथ घुमाने में ही दिक्कत हो रही थी। अभी मेरी मैंने सोचा कि मेरी कमर दुख रही है तो मैं कंफर्टेबल होकर बैठ जाती हूँ जिससे घी जल्दी से निकल जाए, क्योंकि खाना भी बनाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अभी बैठ गई हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, विशु ने नया नया सीखा है किसी करना और हाई फाई करना। तो यहाँ पे विशु के डैडा चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि विशु उनको एक भी किसी नहीं दे रहे हैं, सारी की सारी अपनी मम्मा को ही दे रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। सो यहाँ पे अश्मित जी बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत हंसी कर रहे हैं कि यार विशु तो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। ये देखो गाइस विशु ऐसा करते हैं है ना, तो उन्होंने हाई फाई करना भी सीख लिया है। तो ये वाला वीडियो तो आपने किसी वाला देख लिया, विशु का हाई फाई करने वाला भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। छोटे बच्चे जब ऐसे ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक भी उन्होंने अपने डैडा को किसी नहीं करी है। ये देखो उनके डैडा उनको बहुत प्यार से बुला भी रहे हैं बट वो भाग जाएंगे। सो अभी घी अच्छे से आ चुका है और मैंने फर्स्ट में बोला था अश्मित जी को बॉटल लाने के लिए बट वो नहीं लेके आए थे, सेकंड टाइम में लेके आए हैं क्योंकि दूसरी बॉटल रख के आए थे पानी की। अभी फ्रीजर में पानी रखना स्टार्ट नहीं करा है क्योंकि अगर अभी से ही पानी रखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता ही है ठंडा पानी तो बहुत अच्छा लगता है पीने में, तो मैं पी जाती हूँ तो
ठंडा पानी से अच्छा होता है गर्म पानी पीना, है ना। तो गर्म पानी पीना चाहिए सुबह में भी और रात को सोते हुए भी। सो गाइस, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो आप सुबह में एक गिलास पानी पिए गर्म और रात में सोते टाइम भी पिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। सूप पिए आप गर्म गर्म चीज़ें खाएं। आई नो गर्मी आ चुकी है, पर फिर भी कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको सूप और गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मक्खन आ चुका है, तो मक्खन का मैं एक गोला टाइप का बना लेती हूँ। हमेशा से ही ऐसा ही करती हूँ। सो इसको मैं अच्छे से पानी से धो लेती हूँ। यहाँ पे अश्मित जी ने बॉटल का ढक्कन नहीं खोला है, वो बोल रहे हैं बिना ढक्कन खोले ही पानी मैं निकाल दूंगा। सो मैंने बोला कि इसको बहुत अच्छे से धोना है तो आप इसको पूरा ही खोल दो। तो अश्मित जी ने पूरा ढक्कन खोलने के बाद इसको धुला दिया है और हम साथ में हंस भी रहे हैं। ये टाइम साथ में बहुत अच्छा लगता है, जब आपके हब्बी आपके साथ में होते हैं, आपका बेबी साथ में होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपने फैमिली में इसी तरीके से बैठ के अलग कोने पे ना जाके मक्खन इस तरीके से निकाल सकते हैं। साथ में बैठ के सबके बातें भी हो जाती हैं और बहुत अच्छा भी लगता है ना। तो ये देखिए मक्खन निकल चुका है, हमने कढ़ाई में इसको डाल दिया है और उसी के साथ साथ मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए। और यहाँ पे अच्छे से पोचे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि क्या होता है विशु अगर आएंगे जाएंगे तो उनके फिसलने का डर है, वैसे भी चींटी या मक्खी वगैरह भी लग जाएंगी। सो गाइस, हम यहाँ पे खड़े होकर बना रहे हैं और हमारे विशु ये रहे, आओ ये आराम से हम दोनों बनाते हैं, है ना विशु। यहाँ पे ये बनाने जा रहा है और लाइट पता नहीं कैसे 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 आ रही है, इधर से और सही आ रही है ना। तो गाइस, घी बन चुका है। बाबू मुझे नहीं पता था। ओले ओले, इतना मत रो, लोग बोलेंगे विशु कितना रोते हैं। दे दो ना उसको, क्या मांग रहे हैं। दो चॉपर मांग रहा है, दे दो चॉपर में से कटर निकाल के दे दो ना, कटर निकाल के दे दो। गाइस, विशु का चॉपर फेवरेट रहता है। बच्चे क्या हो गया, एकदम घी ना जल जाए कहीं। चलो बंद कर देते ना, हो गया है गाइस। बस अभी मैं इसको ठंडा होने के बाद किसी डब्बे में रख दूंगी और बस ये चुप हो गए हैं। देखो चॉपर इनका फेवरेट है, क्योंकि इस टाइप का कोई टॉय लेके आना पड़ेगा विशु के लिए, है ना विशु। अभी खाने में बताओ क्या बनेगा जल्दी से, मेरा दिमाग में खाओ आप वही खा ले आज, मुझे पता है आप पेट भर रहे हो उसी से खा खा के। सो गाइस, आज अश्मित जी बना रहे हैं पता नहीं मिक्स करके दाल, चने की डाल दी है, मसूर की डाल दी है और ये पता नहीं ये भी डाल दी है ना। और कुछ ये डब्बे में जबरदस्ती अचार किया जा रहा है। इसमें नहीं थी क्या? नहीं बाबू, ये अलग से थी ना ये वाली। वाली निकाल दी, ये वाली डाल दी, ऐसा क्यों? आज मैं आपको इंजीनियरिंग ही देखूंगी। कर दिया तुमने, ये है दाल। बाबू कम तो नहीं होगी ना? नहीं, एक ही टाइम खानी है। सो गाइस, साथ साथ में दाल भी भीग गई है और आप ये देख रहे हो ना, ये मक्खन का डब्बा बाबू कितने उसका होता है, होगा 250 ग्राम। तो ये 250 ग्राम इसमें निकल गया है पूरा, और ये थोड़ा सा माता रानी के लिए है इधर, इसको भी मैं छान के माता रानी वाले बाउल में डाल दूंगी जिसमें मैं दीपक जलाती हूँ, है ना। तो इसमें अभी बहुत सारा है जो कि टपक रहा है, आप देख सकते हैं। सो अभी इसको एक साइड रख देंगे जिससे कि सारा हो जाए। और आप ये सो गाइस, सारे दालों को मिक्स करके ये कुछ इस टाइप की दाल बनी है ना। तो अभी मैं लगाने वाली हूँ खाना, चलो मैं लगा लेती हूँ। ये पानी रखा है मैंने उबालने के लिए, बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए हैं। सो गाइस, मैं किचन यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन से, और विशु ने देखो सारे के सारे कपड़े है ना इस तरीके से फैला दिए हैं, तय करे हुए कपड़े। विशु को बहुत मन होता है कि वो बिगाड़ दे। सो गाइस, अभी जस्ट खाना खा के आई हूँ, किचन साफ किया है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं किया है, थोड़ा सा ही किया है, बर्तन अभी लगाने बाकी है। मैं सोच रही थोड़ा सा पानी निकल जाए फिर उसके बाद मैं
बर्तन लगा दूंगी। और देखो ये काजल लगाया था, हल्का हल्का सा नीचे आ जाता है। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई है ये, तो है ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई है। क्योंकि क्या है ना, पानी ख़त्म हो गया है। और पानी, आप सोचो ना, जब घर में पानी ख़त्म हो जाएगा तो कैसा लगेगा। मैंने 3 बॉटल लेके रखी थी और तीनों की तीनों अभी ख़त्म हो चुकी हैं। और गाइस मैंने अभी टंकी का पानी, जो वैसे साफ रहती है टंकी, अभी कराई थी 1-1.5 महीना पहले, साफ पर क्लीन रहती है। फिर भी टंकी का पानी टंकी का ही होता है, पानी आता है, आपको पता है बॉटल वाला पानी यूज करते हैं हम लोग, तो वो पानी अभी नहीं आ रहा है। जब सड़कों पे कोई नजर ही नहीं आ रहा है तो टेम्पो में आता है वो पानी ना, वो सभी के घर आता है वो पानी, तो हमारे घर भी नहीं आ रहा है क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन हो चुका है। और जिस घर में छोटा बच्चा हो उस घर में पानी, दूध, खाना पीना होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना गाइस। तो अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चलो खाने पीने का तो एक बार को हो जाएगा। मैं ले आई थी टाइम पे, अश्मित जी का शुक्र है कि उन्होंने मुझे बोल दिया लाने के लिए, है ना, ये तो हो जाएगा। बट पानी और दूध बहुत ज़्यादा मायने रखता है बच्चे वाले घर में। बच्चे वाले घर में अगर दूध ना हो तो समटाइम क्या होता है, बेबी खाना खाता भी नहीं है, उसको दूध ही चाहिए होता है। और गाइस यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पानी का तो बहुत ज़्यादा रहता है। गुजरात में पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गर्मी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, बस है ना, पानी उबालने रख के आई हूँ अभी, सारा घी निकाल दिया है आपने देखा मुझे। और मैंने अभी अश्मित जी को बोला क्योंकि सड़कों पे क्या हो रहा है, जो पुलिस है वो मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, जैसे कोई भी पब्लिक अगर सड़क पे जाती आती हुई दिखाई दे रही है तो उनको सीधा डंडे से ही मारा जा रहा है ना, वो लाठी चार्ज बोलते हैं। और आपको पता है शायद से कुछ चार्ज भी है उसके ना, अगर सड़क पे जाते आते हुए दिखाई दिए तो उसके चार्ज भी हैं। अगर अश्मित जी दूध लेने जाएंगे तो शायद से बहुत बुरा हो सकता है, शायद से दूध मुझे ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेडी जाती है तो थोड़ा सा रहता है कि नहीं यार चलो लेडी है, एक बार पूछ लेते हैं किस काम से बाहर आई हैं, तो लेडी का बाहर जाना सही है ना, पर वो भी रीज़न, अगर कोई रीज़न है तभी बाहर जाना सही है। अदरवाइज आप मास्क पहन के जाएं, है ना, अपने आप को पूरा कवर करके जाएं, किसी चीज़ को ना छुएं, और जो चीज़ आपको लानी है तुरंत से ले आएं। शायद से मैं कल ऐसा ही करूँगी, मैं जाने वाली हूँ। बस खाना वाना हमने खा लिया है, दाल चावल बने थे और सब्जी थी दिन की, वो खा लिए थे दाल चावल के साथ। पहले तो क्या होता था, दोनों चीज़ बननी ज़रूरी होती थी, दाल भी, चावल भी, रोटी भी और सब्जी भी, है ना। अभी क्या होता है ना, जब से विशु आए हैं तो दाल चावल ही बन जाए वही ज़्यादा गनीमत है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती ना कि मैं सारा टाइम खाने में लगा दूँ अपना, विशु के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। और गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मेरे को आपसे बात करते करते। आप अपने घर में ही रहिएगा, कितनी भी आपको ज़रूरत होगी ना तो आपको तो पता ही है हम लेडीज़ों का कि किसी न किसी चीज़ से काम चला ही लेते हैं। तो सो गाइस आपको भी, आपके दिमाग में भी जितने जितने आइडियाज़ हैं वो अभी मौका है यूज़ करने का, तो आप करिए उन चीज़ों को। मैं भी करती हूँ थोड़े बहुत, तो जैसे कि अभी टंकी में से पानी खूब अच्छे से बॉईल करूँगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसको ठंडा होने दूंगी, ठंडा होने के बाद वो खाना बनाने लायक पीने लायक हो जाएगा छानने के बाद, है ना। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ही ये 21 दिन, बाप रे कितने सारे होते हैं 21 दिन। और मैं तो अपना तो सोच रही हूँ कि चलो ठीक है यार, उनका बहुत बुरा लग रहा है सच्ची में, है ना, जिन लोगों के घर में सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पैसे आते हैं उसी से वो अपना घर चलाते हैं, और अभी तो वो काम पे भी नहीं जा रहे होंगे और खाएंगे क्या, पियेंगे क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। बहुत अजीब लगता है ऐसे लोगों के लिए सोच के, है ना, काश के हम उनके लिए, ऐसे टाइम में हम अपने लिए ही नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए कैसे कर पाएंगे। सोचो ना, ये टाइम इतना बुरा टाइम है, बहुत ही बुरा टाइम, पता नहीं कैसे आ गया है, बहुत ही, है ना, हम उनके लिए, मुझे सोच के बहुत 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 ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, क्या कर सकते हैं। सो गाइस अभी मैं
विशु को मैं दूध दे के आई हूँ, बस किचन के जो बर्तन है वो लगा देने हैं, पानी का गैस बंद कर देना है, उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना चैटिंग वगैरह करूंगी, मम्मी लोगों से बात वगैरह तो हो गई है ना, जो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आते हैं उनका जवाब रिप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।